चलिए ओपनिंग ट्रेड समझने की शुरुआत करते हैं। और शिवांगी, जानना चाहेंगे कि कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए, और साथ ही फ्रेश ट्रेड्स के मौके कहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, निफ्टी की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग है, पर फिर भी थोड़ा वेट एंड वॉच नजरिया यहाँ पे रहेगा। तो अग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग की स्टांस हम ना ले, थोड़ा सा हम कॉशियस होके वेट एंड वॉच करें। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टॉक्स की अगर हम सेटअप देखें तो वो अच्छी तरह से रिकवर होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे मेरी नजर इंडियन होटल पे है, जो एक्जैक्टली अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ से घूमते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक निगेशन है, तो ये एक अच्छा पे आउट होने का पूरा संभावना है। 700 के टारगेट्स के लिए इसमें आप खरीदारी कर सकते हो, 666 के एक टारगेट, 666 के एक सपोर्ट के साथ। इसके अलावा कुछ आईटी स्टॉक्स है जिन पे नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ आईटी काउंटर्स पे नज़र रखें। शिवांगी, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो कि आप हाईलाइट करना चाहें, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कोफोर्ट जैसे स्टॉक्स हाईलाइट भी कर रहे थे, कोई स्टॉक जो कि फिलहाल स्टैंड आउट हो रहा हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एम्फेसिस ले लीजिए या एलटीआई माइंडट्री, ये सभी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। आपके लिए कौन सा कोई स्टैंड आउट कैंडिडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, अभी मॉर्निंग में मार्केट के ओपनिंग के पहले भी हमने डिस्कस किया, इंफोसिस मेरी पसंद है। यहाँ पे काफी स्टेबल रूप से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रही है, और इस हफ्ते पूरा फोकस भी यहाँ पे रहेगा। तो 2000 की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं, और 1900 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ऑलराइट, तो 1900 के एक सपोर्ट को आप इन्फोसिस के लिए ध्यान रखिए। अब देखिए, धीरे धीरे करके जो आईटी काउंटर्स की मजबूती है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में शिवांगी के रिडार पे है इन्फोसिस, यहाँ पर आप नज़र ज़रूर बना सकते हैं। पर चलिए एक बार फिर से इंडेक्स लेवल पे देखें तो निफ्टी बैंक अभी भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है, यहाँ पे 150 अंकों की फिलहाल तेजी है। निफ्टी 50 में जितने भी नाम शामिल हैं उसमें अब एलटीआई माइंडट्री तो इसको लीड कर ही रहा है गेनिंग को, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.25% की मजबूती है, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और आईटीसी जैसे काउंटर्स भी फिलहाल मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर गौरांग जी, एक बार आपसे सीमेंट काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब बारिश का सीजन ओवर हो गया है, फिर से जो है मांग आने की उम्मीद है, और साथ ही साथ प्राइजेस भी जो है कुछ सिलेक्ट ज्योग्राफीज में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही गौरांग जी, हम देख रहे हैं कई सारे कंसोलिडेशन हो रहा है इस पूरे स्पेस में, बड़े प्लेयर्स कुछ एक छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में गौरांग जी कोई लार्ज कैप्स कंपनी जो कि आपको फिलहाल इन लेवल्स पे भी पसंद आती हो और जहाँ पे अच्छे मौके हैं? तो सृष्टि, ये कंसोलिडेशन हम सीमेंट क्षेत्र में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नई बड़ी उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए जो अनुमतियां चाहिए, खास करके पर्यावरण से, वो अब बहुत मुश्किल है मिलना। इसीलिए जो छोटी और कमजोर बैलेंस शीट वाली सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियां होते हैं, वो ज्यादातर टेक ओवर टारगेट्स बन जाते हैं मझौली और बड़ी सीमेंट कंपनी की तरफ से। तो काफी सारी ऐसे तो हमारी खरीदारी की राय है दिग्गजों में और मझौली सीमेंट उत्पादन कंपनियों में। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, ये तीन नाम है। और मझौली कंपनियों में दालमिया भारत, बिरला कॉर्प, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रामको सीमेंट है, ये सब कवरेज एक टाइम पे थी। लेकिन मझौली कंपनियों में हमें दालमिया भारत सबसे ज्यादा पसंद आता है और बिरला कॉर्प। भारत और बिरला कॉपा, ये जो है टॉप एड्स हैं फिलहाल सीमेंट काउंटर से, इस पर आप नज़र ज़रूर रखें।